रीवा जिले से है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण की समीक्षा बैठक संपन्न। बैठक में नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों के साथ ही आवासीय पट्टे दिए जाने, लाडली बहनों के आधार लिंक व डीबीटी कराने सहित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नगरीय निकायों में चल रहे सभी निर्माण कार्य समय सीमा से पूरे कराए जाएं तथा अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रारंभ करते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों का भुगतान नियमित हो तथा वर्षा काल में कराए जाने वाले कार्यों को प्रारंभ रखें, शेष ऐसे कार्य जो वर्षा काल में प्रभावित हो उन्हें वर्षा से पूर्ण पूर्व कराने। कलेक्टर ने नगर पार्षदों में कार्यकल्प अभियान व डीएमएफ मद से संचालित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नई गढ़ी में बस स्टैंड व प्रतीक्षालय कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने चाक घाट में कार्य प्रारंभ न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा सीएमओ को तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मऊगंज में निर्माण कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की तथा उपयंत्री को अटैच कर नईगढ़ी के उपयंत्री को चार्ज देने तथा मऊगंज उपयंत्री के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने के निर्देश बैठक में दिए। प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि आवास हेतु नियमित किश्त की दी जाए तथा जियो टैगिंग कराने, अप्रारंभ आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कराने तथा आवास निर्माण न करने वालों से वसूली की कार्रवाई करें। उन्होंने मनगवा के सीएमओ को न्यू प्रगति पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टे दिए जाने के कार्य को दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश बैठक में दिए गए। उन्होंने लाडली बहना योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों के आधार पर लिंक व डीबीटी कार्यकल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा आग्रह किया कि बिना अनुमति नगरीय निकाय के अधिकारी मुख्यालय के बाहर न जाए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर शत प्रतिशत निराकरण कर तथा पीएम स्वधीनी के प्रकरणों को बैंक में प्रेषित करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर संजीव पाटे सहित नगर परिषद के सीएमओ व उपयंत्री उपस्थित रहे।